से पंप करो, तो इसके बाद ये देखिए आज हम करेंगे नाश्ता चौकोस। और तो चलिए अभी हमने टीबीर के तीन सर आ गए, आज वुमेन क्रिकेट। ये गाइस हो गया हमारे खाने का, आज देखिए चांद कैसे दिखा। देखिए सुबह सुबह हम आ गए हैं गाड़ी के पास, इस एरिया में अभी हमको ना मास्क लग गया। ये है सप्तम हार। चलिए फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हो गया अभी हम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत दिन की। और आज की शुरुआत हो रही है हमारी पानी डालने से, यानी पेड़ को पौधों पे पानी डालने के लिए हमने एक मशीन ली थी, जिसको ऐसे पहले पंप करना पड़ता है। इसे पंप करो तो इसके बाद ये देखिए ये ऐसे पानी निकलता है। चलिए हम डालते हैं पेड़ों में पानी, करते हैं आपसे बाद में बात। आज हम करेंगे नाश्ता चौकोस और मूसली का। यस चलो, तो चलिए अभी हमने टीबीर के तीन टी शर्ट्स और भेज दिए हैं। ये देखो ये गई है बार्सिलोना की, बार्सिलोना लार्ज। देन ये है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ये है आपकी कौन सी है यार, मेसी की, अर्जेंटीना की। तीन टी शर्ट्स ये जा रही हैं दिल्ली कोरियर होएंगी ये। बाकी अभी हमारे पास और स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जिसको लेना है वो आप बता सकते हैं। सर आ गए 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद। आज वुमेन क्रिकेट मैच हो रहा था, टूर्नामेंट इनफैक्ट आई थिंक अभी प्राइस सेरेमनी चल रही है। कौन सी टीम जीती है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्रिकेट अच्छा हो गया और जल्दी ख़त्म हो गया। ये गाइस हो गया हमारे खाने का समय। इंडिया का स्कोर तो बड़ा गजब चल रहा है, बहुत बुरी हालत है इस टाइम ना। उसके बाद जाना है राशन लेने, और तब तक हम देख रहे हैं ड्रीम गर्ल पार्ट टू में। एक्चुअली पार्ट टू में देख रहे हैं, पहले हम आदमी देख चुके थे एक हफ्ते पहले, और अब गुजर रहे हैं। आज देखिए चांद कैसे दिखाई दे रहा है, वो एकदम रेड। ये क्लोज लुक, ये देखिए ये है चांद, और एकदम आज रेड चांद दिख रहा है, पूरा रेड। नेचर भी अलग है। बाकी रेड लाइट जो दूसरी दिख रही है वो बिजली में लाइट जल रही है, लेकिन एक्चुअल चांद हो रहा है। हमारी पूजा भी हो गई है शाम की, बोलो जयकार शेरा वाली माँ का बोल साचे दरबार की जय। देखिए सुबह सुबह हम आ गए हैं गाड़ी के पास। अब क्यों आए हैं, इसके लिए पर्स के लिए। दो दिन से पर्स को टच नहीं किया हमने, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे वीर का, आज क्रिकेट मैच था तो वीर गया क्रिकेट मैच के लिए, तो उसको पैसे चाहिए थे। हम ढूंढना शुरू किया तो हमें पर्स ही नहीं मिला। हमने कहा पता नहीं कहाँ गया, तो लास्ट होप थी कि गाड़ी में रहेगा, तो फाइनली गाड़ी में मिल गया। और ये हमारी कस्टडियन थी मैडम की कस्टडी। मैडम आज कम से कम वॉक पे हम निकलेंगे 5-6 महीने बाद। हालांकि ट्रेडमिल में हम कर रहे थे, लेकिन 5-6 महीने, लेकिन टिन्नी जो है काफ़ी टाइम के बाद आज बाहर आई है, काफी टाइम। मैं क्या भाई, बाहर क्या हो गया था? बाहर बाहर मतलब बाहर ही नहीं आ रही थी, वॉक कर रही थी ना ट्रेडमिल कर रही थी। मैं कहा चलो कम से कम ट्रेडमिल तो करने चले, तो इसके लिए आज ऐसा चलिए फटाफट चलते हैं। थोड़ी देरी सही, बट डेली रूटीन को कंटिन्यू चालू रखते हैं। इस एरिया में अभी हमको ना मास्क लग के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, और ये यार्ड बन रहा है एक्चुअली मेट्रो का पूरा, तो अभी पूरा यहाँ पे ट्रैफिक है और पूरा धूल मिट्टी उड़ रही थी, यहाँ का मास्क लाना पड़ेगा हमें। हैं तो पहले यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ लगे हुए थे, अब जो है पूरा मेट्रो बन गया है। हाँ लगे थे, अब देखो सारे पिलर लगे थे। अब सारे पेड़ की जगह पिलर हो गए, यहाँ से देखो पीछे तक फिर भी ग्रीनरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये यहाँ पे देखो पूरा किया हुआ है, और भी जगह किया हुआ, साइड में भी पेड़ लगे हुए, बीच के पेड़ लगे हैं, बट यहाँ से हटा के अभी मेरे ख्याल में दूसरी जगह, यहाँ से उठा के दूसरी जगह लेके गए थे पेड़। हैं और ये देखो खाद वगैरह भी डली हुई है, लेकिन गंदगी अभी इसलिए हो रही है क्योंकि ये मेट्रो का काम चल रहा है। ये देखो पूरी खाद डाली हुई है, स्ट्रीट है ये, सुंदर है, बट लग नहीं रही। चलिए आज बहुत दिनों बाद पप्पा के दर्शन करने आए हम लोग मंदिर में, बोलो गणपति बाप्पा की जय।
मान तुम खूनी भेंट स्वागत गान दुई हाथ जोड़ियान ये देखो ब्लैक कलर का क्या कीड़ा है। ओ भाई साहब ये कितने स्लो चलता है स्नेल के जैसे। स्नेल को पीटना गैस पाइपलाइन का भी काम शुरू हो गया है। मॉर्निंग वॉक तो होगी बहुत बढ़िया आफ्टर सो मेनी डेज इनफैक्ट मंथ एंड टिनी कोई कमेंट नहीं कर दिया नो कमेंट्स फ्रॉम टिनी लेकिन पतझड़ आ गया है ऐसा लग रहा पतझड़ स्टार्ट हो गया ना तो पूरा सूखा अभी यहाँ पे गरबा हो रहा था कुछ दिन तक अभी वो बंद दौड़ के वेरी गुड चलिए गाइस आज की एक्सरसाइज तो होगी एक्सरसाइज क्या है नॉर्मल वॉक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर किया हमने बट नॉर्मल वॉक क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपको एक्सरसाइज का भी वेरिएशन करना बहुत जरूरी है 60 साल के हो गए तुम एज बढ़ता है ऐसी बातें करते हो ये है सप्तम हार टीना ने बनाया सप्तम हार 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम हार है इसमें क्या है एक सिंगल हार दूसरे डॉग को टच किया है पता चल जाता है ना वॉक के बाद नारियल पानी मिल जाए तो बात ही क्या है चलिए मस्त पीने के बाद ये ठंडक जाती है ना शरीर में गजब सो अभी ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट हाफ एग बना के फटाफट चलिए फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हो गया अभी हम करते हैं नहाने वगैरह की तैयारी एंड फिलहाल इस व्लॉग को भी एक करेंगे यहीं पे एंड क्योंकि एक और व्लॉग मेरे को शूट करना है अभी विराट जो है आज उसका सेमीफाइनल मैच है जो आप मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने अपडेट दिया था कि उसके मैचेस चल रहे हैं स्कूल की तरफ से DSO खेल रहा है तो आज उसका एक सेमीफाइनल मैच है अगर सेमीफाइनल में वो जीत गए तो फाइनल पहुंच जाएंगे और फाइनल खेलेंगे सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आने वाला है हमें तो आइडिया नहीं बच्चे लोग अच्छा ही खेल रहे थे कल तो इंडिया ने कमाल कर दिया इंडिया इंग्लैंड लगातार हमने तो सोचा कि मैच गया लगता है लेकिन जिस बाद में जब देखा कि पूरा गेम पलट गया मतलब बुमराह शामी कुलदीप जबरदस्त मज़ा आ गया फिलहाल मैं अपना काम भी करता हूँ मेरी घड़ी भी हो गई है चार्ज एंड अपना काम हम शुरू करते हैं ये व्लॉग जो है बहुत ही छोटा है एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म बने रही और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।